दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, आर्मोरर की ट्रेड टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये जो क्वेश्चन बिल्कुल अंदर से आर्मोरर की संबंधित ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे भाइयों को ये आर्मोरर की संबंधित बिल्कुल पता नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे भाइयों ने आर्मोरर की ट्रेड टेस्ट में फेल हो रहे। तो मैं अभी जो भाइयों ने आर्मोरर की भर्ती देने के लिए गए हैं उनसे मैं बात किया था और उन लोगों ने मुझे बताया क्या क्या सवाल अभी पूछ रहा है। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं अभी क्या क्या सवाल अभी पूछ रहा है इस वीडियो में, अभी बता दूंगा अभी आर्मोरर के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या अभी सेंटर में सवाल पूछ रहा है। तो वीडियो को देखते रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है, विच कंपनी मेक्स आर्म्स इन इंडिया। आर्म्स मतलब दोस्तों मैं आप लोग बता रहा हूँ जो हथियार कौन सा कंपनी बनाता है, ठीक है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी, ये जो है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, आर्म्स कंपनी। उसके बाद हुई इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो गोला बारूद फैक्ट्री बोर्ड जो है उसका डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम है M.K. गार्ग। IOFS का फुल फॉर्म है इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री सर्विस, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल पूछा था। नेक्स्ट जो है सवाल, वेयर इज अमुनेशन मैन्युफैक्चरर हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो दोस्तों अमुनेशन जो होता है, जो गोली बारूद जो होता है, गोली का बारूद होता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ का, इसका हेडक्वार्टर है खड़की पुणे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आयुध निर्माण बोर्ड का मुख्यालय का है, जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है हेडक्वार्टर का है आयुध भवन कलकत्ता में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री मेड फर्स्ट टाइम AK-47 पहली बार कौन सा देश ने बनाया था, इसका आंसर है रसिया। तो आप लोग जानते हो गए AK-47 हथियार आप लोग दिखे भी हो गए कई बार भी, तो इसका जो है आंसर रसिया, ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग को आर्मोरर की ट्रेड टेस्ट में पूछा जा रहा है, तो बहुत सारे भाइयों ये आंसर नहीं दे पा रहे। जो 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन में कम से कम 12 से 14 आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, तब आप लोग ट्रेड टेस्ट में पास हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जोश बढ़ेगा और मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा, ठीक है दोस्तों।